सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई की पॉपुलर स्ट्रीट फूड जिसका नाम है तवा पुलाव। तो तवा पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं तवा पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जब आप इस तरीके से तवा पुलाव बनाएंगे ना, तो बच्चे हों या बड़े, सबको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। और आप इस तरीके से बना के बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं, जिसमें मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के प्याज, बीन्स ले लिया है मैंने यहाँ पे थोड़ा, 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च कट कर लिया है, और गाजर ले लिया है मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का, थोड़ी सी मैंने पनीर के पीसेस ले लिया है यहाँ पे, और लहसुन अदरक ले लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो हमें बस इन चीज़ों की ज़रूरत है तवा पुलाव बनाने में, और हमें इन्हें बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो अब हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें जीरा डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हम यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। गाजर को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम पहले गाजर डाल लेंगे, और गाजर और प्याज दोनों को हम यहाँ पे अच्छे से पका लेंगे। और एक चीज़ का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है, हमें ना सारी सब्जियाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकानी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, बीन्स डाल लेंगे, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक। ये मैं पहले डालना भूल गई थी, आप इसे पहले डाल लें जीरा के साथ। और अब हम सारी सब्जियों को यहाँ पे पका लेंगे, और यहाँ पे हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक काटा है, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 7 से 8 मिनट में यहाँ पे सब्जियाँ बिल्कुल पक जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से इसे पका लेंगे और चलाते भी रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जियाँ हमारी थोड़ी पक गई हैं। तो ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। तो मैं डाल दूंगी इसमें 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, और लाल मिर्च डाल लेंगे हम इसमें 1 चम्मच। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और हम मसालों को भी यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो तवा पुलाव बनाना ना बहुत ही आसान है, बस हमें इसमें थोड़ी सब्जियों की और मसालों की ज़रूरत है, और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाले और सब्जियाँ दोनों अच्छे से पक गए हैं। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के पीसेस जो हमने कट करके रखा था ना, वो हम इसमें डाल लेंगे। और साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे चावल, इसे मैंने पहले बना लिया था। और अब हम मसालों के साथ चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, और तवा पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके हम ऐड कर लेंगे धनिया पत्ता, साथ ही हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें, और फटाफट से हम सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी चटपटी सी और मज़ेदार तवा पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। आपने देखा, इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, हमने इसे फटाफट से बना के तैयार कर लिया बस 10 से 15 मिनट में। और आप इसके साथ हरी चटनी या फिर रायता भी इस बना के सर्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से तवा पुलाव बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।